हु इज द स्पीकर इन दिस पोयम? इस कविता में वक्ता कौन है? वॉल्ट व्हिटमैन इज द स्पीकर इन दिस पोयम. इस कविता में जो वक्ता है कौन है? वॉल्ट व्हिटमैन. वॉल्ट व्हिटमैन इज द स्पीकर इन दिस पोयम. वॉल्ट व्हिटमैन इस कविता में क्या है? वक्ता है. दूसरे को पेन ड्राइव में ना निकाल के लेकर मेटेरियल बोला मांग लाइए कैसे मैं हटा तो. हाउ ओल्ड इज उनकी आयु क्या है या वो कितने साल के हैं? कितने साल के हैं? इज 37 इयर्स ओल्ड. वे 37 साल के हैं. ठीक है जी. कविता कवि का क्या नाम है जी? कितने साल का है? 37 साल का है ना. ध्यान दीजिए. व्हाई डज द स्पीकर यूज यू ट्वाइस? कवि जो है यू का प्रयोग दो बार किए हैं. क्यों किए हैं? कवि जो है कविता में यू जो शब्द है वो दो बार यूज किया गया है. क्यों किया गया है थोड़ा सा समझिएगा. कभी एक बार ऐसे यूज किए हैं कि व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम जी. फॉर एवरी एटम बिलोंग्स टू मी एज गुड एज बिलोंग्स टू यू. दोबारा ना जी. यहां कभी जो है बताना चाहते हैं यू दो बार ला करके कि सभी व्यक्ति जो है एक समान है. सब जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. यानी समानता को दर्शाने पर जोर डालते हैं. कौन? कवि. द स्पीकर यूजर्स कवि जो है वक्त यू शब्द का प्रयोग किए हैं ट्वाइस दो बार इन द पोयम कविता में. बिकॉज क्योंकि ही वांट्स टू प्रेस क्योंकि वो जोर देना चाहते हैं ऑन सिमिलरिटी ऑफ ब्लड इन ऑल ह्यूमन लाइफ ह्यूमन बींग्स पूरे मानव जीवन में जो मानव जाति है उनके ब्लड के समानता पर जोर देना चाहते हैं. क्योंकि बोला गया है कि जिस मिट्टी के तुम बने हो उसी मिट्टी के मैं बना हूं. यानी यू को बार बार ला रहे हैं तुलना कर रहे हैं कि जैसा मेरा रक्त है वैसा ही तुम्हारा है. तो तुम भी हवाओं को सांस के रूप में लेते हो तो हम भी क्या करते हैं? लेते हैं ना जी. तुम भी अपने माता पिता से जन्मे हो मैं भी अपने माता पिता से जन्मा हूं. ये जिक्र हुआ था. क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे. 4 की ओर. क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है व्हाट इज मीन्ट बाय नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी. यानी प्रकृति का क्या अर्थ है जो मूल ऊर्जा को जांच के बगैर अपना फ्लो करते हैं. यानी प्रकृति का कुछ मतलब अलग है ना जी. जो अपने ऊर्जा को एनर्जी को बिना चेक किए क्या करता है? प्रदान करता है बांटते रहता है. हुआ है ना जी. अब बताइए उसमें कैसे हम लोग जानेंगे प्रकृति का क्या मूल अर्थ रखा गया क्या नहीं रखा गया है. सुनिए क्या कह रहा है कि प्रकृति का क्या अर्थ है. यानी कहेंगे कि द पोएट मीन्स टू से कवि का कहने का मतलब है कि नेचर इज गोइंग विथ इट्स फुल एनर्जी. प्रकृति जो है अपने पूर्ण यानी पूर्ण ऊर्जा के साथ चल रहा है. अच्छा बताइए प्रकृति कभी छेड़छाड़ करता है? ये नहीं करता है कि हम अपने आज एनर्जी देकर के आपको नहीं आज हवा चलागा चलेंगे या कल नहीं चलेंगे. सूर्य आज उगेगा कल नहीं उगेगा ऐसा तो होता नहीं है. जो उसका रूटीन है वो रोज क्या करता है गतिशील होता है. रोज करने का अपने एनर्जी को बरकरार रखता है. और कह रहा है कि एंड देयर इज नो वन टू चेक इट. और कोई नहीं इसे क्या करता है चेक करता है. कोई करता है? प्रकृति को कोई चेक नहीं कर सकता है. चल रहा है तो चल रहा है ये नहीं करेंगे रुक जा सूर्य जी रुको रुको काल उगी हवा का कोई चेक कर पास कार्ड दिखाओ तब जीवे. ऐसा नहीं ना जी. नदियां जो है बारे रुको 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 आज निकलता रहा भाई कहिए बाबू काल है. ऐसा तो बात नहीं है. कहने का मतलब है कि उसमें कोई चेक रोक टोक नहीं होता है.
इट ऑलवेज डायनेमिक, हमेशा क्या होता है, गतिशील एंड रेगुलर, नियमित होता है। वो सर्दी गर्मी वर्षा कुछ भी हो, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन देते रहेगा, धूप है तो सूर्य उदय होगा तो सूर्य उदय होगा, ठीक ना, सूर्य उदय होगा। इसके बाद ये भी कह सकते हैं वो गति, मतलब उसके गति में कोई रोक टोक नहीं है। एंड इट इज एज, यह जैसा है इट शुड बी, वैसा ही होना चाहिए, प्राकृतिक जैसा वैसा ही क्या होना चाहिए, रहना चाहिए। तो दिक्कत देना है, ध्यान दीजिए, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोयम, कविता का थीम क्या है, कविता का थीम क्या है, सार क्या है, इसका भाव क्या निकल रहा है, कविता क्या दर्शाना चाह रहा है, एकता को दर्शाना चाह रहा है। क्योंकि कवि ये बताए हैं कि प्राकृतिक जब हमारे बीच कोई भेदभाव नहीं करता है तो हम आपस में क्यों भेदभाव में रहे, जाति धर्म मजहब अलग बात है, हम उससे दूर रहेंगे लेकिन उसे भूलेंगे नहीं, भूलना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम आपस में मतभेद न रखे। पूरे दुनिया का मानव जाति जो है क्या है, एक है, सबको मिल करके रहना चाहिए। लेकिन यहाँ तो हो लगा हुआ क्या, अगला को दबा करके आगे बढ़ने का होल लगा हुआ है, और इस शुरू से रहा हुआ है, इन्हें कि आज से राजा महाराजा, पहले लोग जो थे आज के डेट, पहले के लोग उतना ही कमाते थे खा पक, आज अपनों कमाना है, लड़कों को कुछ रखना है, और उसी में ऐसे नहीं कुछ लोग बर्बाद भी करते जा रहे हैं। द थीम ऑफ द पोयम, कविता का जो थीम है, इज यूनिटी और वननेस, क्या है, एकता है। द पोएट वांट्स टू टेल, कवि बताना चाहते हैं कि देयर इज नो डिफरेंट अमंग द ह्यूमन बींग्स इन द वर्ल्ड, दुनिया भर में कोई भी कवि कोई भी मानव के बीच कोई अंतर नहीं है, दुनिया में जितने मानव हैं सब एक हैं। देखिए धर्में अलग हो सकती हैं, भाषाएं अलग हो जाती हैं, बोली वचन रहन सहन अलग हो सकता है, लेकिन पूरा संपूर्ण दुनिया का मानव सब क्या है, एक है, पूरा मानव जाति क्या है, एक है, हाउ डज द स्पीकर एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन मी एंड यू, लैपटॉप को चालू कर लीजिएगा जी, एगा चालू करके रखो, हम पेन ड्राइव लेते हैं। हाउ डज द स्पीकर एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन मी एंड यू, मी और यू के बीच कैसा संबंध स्थापित करते हैं, कौन, कभी स्थापित किया ना जी, मी याद है कब किए हैं, एवरी एटम बिलोंग्स टू मी एज गुड belongs to you, यहाँ जो है the speaker establishes स्थापित करते हैं the relation संबंध को between me and you के बीच, he says that कभी कहते हैं कि every atom belongs to me as good belongs to you, हर कण जो मुझसे संबंध रखता है वही कण तुमसे भी संबंध रखता है, he means to say, उनका कहने का मतलब है कि both are created of the same atom, दोनों जो है एक ही कण के बने हुए हैं, कुछ बने हुए एक ही कण से बने हुए हैं, कोई दिक्कत, what does he observe in summer, कभी जो है गर्मी में किस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, याद है गर्मी में जो नुकीले घास हो जाते हैं उसको ना जी, सीधा कह रहा है ही यानी कभी ऑब्जर्व करते हैं स्पीयर ऑफ ग्रास यानी कौची इन समर, गर्मी में जो घास की नुकीले घास है उसको ऑब्जर्व करता है, ध्यान देता है, कौन, कभी, What has formed of speaker's blood? वक्ता का जो रक्त है खून है किससे बना है, वक्ता का रक्त जो किससे बना है, मिट्टी और हवा से, याद है, The soil and the air has formed the speaker's blood, यानी वक्ता के खून को कौन बनाया है, मिट्टी और हवा ने बनाया है, यही ना कविता में जिक्र है। अगला,
What does he have to do? कवि का क्या आशा है, क्या करने की आशा है? याद है कवि का यह उम्मीद है, कवि कह रहे कि मैं 37 साल का हूं और मैं मरते दम तक मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, यही ना आशा करते हैं जी। सीधा बात है, द पोएम द स्पीकर इज 37 ईयर्स ओल्ड, कितने साल, 37 साल का है, एंड हिज हेल्थ इज गुड, और उनका स्वास्थ्य भी क्या है, बिल्कुल अच्छा है। ही होप्स, वे आशा करते हैं कि हिज हेल्थ विल बी गुड टिल डेथ, उनका स्वास्थ्य जो है मरते दम तक भी क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। नहीं, व्हाट डज ही वांट टू डू विथ किड्स, और धर्म मजहब के साथ क्या करना चाहते हैं, कवि जो है धर्म और मजहब के साथ क्या करना चाहते हैं, कि He wants to keep them away for some time. वे जो है धर्म मजहब को दूर रखना चाहते हैं। He wants to keep them away. यानी किसको? Them means उनको, धर्म मजहबों को क्या? Keep them away का मतलब होता है उन्हें दूर रखना। For some time, कुछ समय के लिए दूर रखना चाहते हैं। Though he does not want to forget them altogether. यहाँ तो करने का मतलब हुआ कि दूर तो रखना चाहते हैं लेकिन पूरी तरह से भूलना नहीं चाहते। हम भी कभी कभी कहते हैं कि जब देश की बात आती है तो हम लोगों को धर्म के नजर से नहीं देखना चाहिए, मजहब के नजर से किसी को नहीं देखना चाहिए, चाहे कोई भी हो। जैसे आतंकवादी आतंकवादी होता है, धर्म मजहब जो गुंडा होता है वो गुंडा होता है, उसे कोई धर्म मजहब नहीं होता है, किसी को बख्शता नहीं है, इसलिए उस मजहब से नहीं देखना चाहिए। What does he want to speak about? वह किस बारे में बोलना चाहते हैं, कवि जो है किस बारे में बोलना चाहते हैं? He wants to speak about every hazard. हर खतरे के बारे में बोलना चाहते हैं। जी, हर एक खतरा के बारे में बोलना चाहते हैं। कौन बोलना चाहते हैं? कवि।